बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर पोस्ट आपको वक्त पर मिलती रहे। जो लोग कहते थे कि जरदारी बहुत चलाक है, ये काबू नहीं आएगा, इसको कुछ नहीं होगा, आज इनके लिए ऐसा इंकशाफ करते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि जरदारी कोई चलाक नहीं। हाँ, वो सिर्फ करप्ट है, कातिल है। आज तक ये सबको खिलाता रहा, मुँह बंद करता रहा, हिस्से देता रहा, इसीलिए कोई कुछ इसके खिलाफ ना कर सका। मगर इस दफा जो जरदारी के साथ हाथ हुआ है, सुनकर आप दाद देंगे ना नजर आने वालों को। जरदारी ने जब जनरल राहिल को धमकियां दी थी तो फौज और आईएसआई की तरफ से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया गया। जरदारी को जल्द एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती नवाज शरीफ से भी हुई थी यही, मगर नवाज शरीफ तो आखिर तक फौज, अदलिया और आईएसआई को गालियां देता रहा और इसके पीछे भारत था। जरदारी ने जीएचक्यू में कई हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट को फ़ोन किए, अप्रोच की, मगर किसी ने जरदारी से बात तक न की। हालत यहाँ तक हो गई थी कि आसिफ जरदारी ने जनरल राहिल को माफ़ी का पैगाम भेजा कि आप हुक्म दें तो हाजिर होकर आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, मगर वहाँ से कोई जवाब ना आया। जनरल कमर बाजवा की तैनाती के वक्त आसिफ जरदारी की मशावरत के बाद नवाज शरीफ ने कमर बाजवा को बड़े बड़े जनरल्स को बाईपास करके इनको आर्मी चीफ बनाया ताकि ऊपर वाली राहिल शरीफ के साथ क्यादत की जो पॉलिसी थी वो ना चले, और अगर नया जनरल नीचे से आता है तो नई पॉलिसी बनाई जाएगी। ये नवाज शरीफ की गलत फहमी थी, क्योंकि अब पॉलिसी एक ही चला करेगी, जो मर्जी आ जाए। इस तैनाती में नवाज शरीफ को रॉ और सीआईए ने भी मदद दी थी, मगर एक प्लान ये लोग चलते हैं, एक प्लान अल्लाह चलता है, और कामयाब अल्लाह का प्लान होता है। अब जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, इंशाल्लाह जो मर्जी जनरल आए, पाकिस्तान की पॉलिसी वही रहेगी जो अब है। इसीलिए तो दो नंबर जनरल को राहिल शरीफ ने फारिग कर दिया था। जरदारी ने कमर बाजवा से भी माफी मांगी, बात न बनी। जरदारी एनआरओ तलाश करता रहा मगर एनआरओ ना हुआ। अचानक किसी ने जरदारी को फंसाया एनआरओ का झांसा देकर, और बड़ा जबरदस्त प्लान बनाया। इस तरह जरदारी से लूटा पैसा वापस लाया जाएगा, ये था असल प्लान। हम किसी सूरत नाम नहीं लेंगे, ना आज ना कल ना शायद जिंदगी भर। जरदारी को कहा गया कि आपको एनआरओ मिल जाएगा, बात हो चुकी है, आपने करप्शन केस में तावुन करना है, क्योंकि अब नवाज शरीफ ना अहल हुआ है तो सबकी नजरें आप पर है। अगर आप तावुन करते हैं तो आपके सदर बनने के चांस बन सकते हैं, बेशक इमरान खान वजीर आजम रहे। तब जरदारी ने हैरत से पूछा, ऐसा कैसे मुमकिन है? तो कहा गया, जैसे बलोचिस्तान असम्बली में अचानक चीजें बदल गई, इसी तरह आपके लिए भी राहें खोल दी जाएंगी। आपने करप्शन केस में तावुन करना है जो आपके खिलाफ चल रहा है। सदर बनवाकर आपको इस्तिस्ना हासिल हो जाएगी, 5 साल तक आप सुकून में रहेंगे, आपके खिलाफ बेशक जितने मर्जी फैसले आ जाए आपको कुछ नहीं हो सकता। इस बात पर जरदारी को, जिसने प्लान के तहत ट्रैप किया, इसको दाद देकर आप गुमनाम किताबों में सलूट जरूर करेंगे। जरदारी ने इसी बिना पर अनवर मजीद को फोन किया कि पाकिस्तान आ जाओ, डील हो चुकी है। अनवर मजीद ने बड़ी मुश्किल से बात मानी, वो पाकिस्तान आए तो सारी गेम उलट हो चुकी थी। इनको गिरफ्तार करके ले जाया गया तो इन्होंने कहा मेरी तो डील हो चुकी है। तब वही बंदा जिसने प्लान किया था सामने आया और कहा डील नहीं थी, वो ट्रैप था, खेल खत्म हुआ। ये सुना था कि अनवर मजीद के पैरों तले जमीन निकल गई। जरदारी तक ये बात पहुंची तो जरदारी को समझ आ गई कि मेरे साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है। अनवर मजीद जैसे लोग जो सारा दिन लड़कियों शराबों में डूबे रहते हैं, इसी नशे में वो पागल होते रहते हैं, उनसे एक मिनट की भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती ना मार। एक दफा के जिस्मानी रिमांड में अनवर मजीद ने आज तक जरदारी की तमाम करप्शन, इनके करतूत, सब कुछ खोल कर रख दिया। तकरीबन 1000 सफ़ों के करीब के दस्तावेजात और इंकशाफात पर मबनी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है जरदारी के खिलाफ। अनवर मजीद वो बंदा है जिसका हर कारोबार जरदारी की करप्शन के पैसों पर चल रहा है। नाम अनवर मजीद का है मगर काम जरदारी के हैं और पैसा भी जरदारी का है। ऐसे इंकशाफात हुए, कौम सुनकर सकते में आ जाएगी। आप देखिएगा नवाज शरीफ के बाद जो हशर जरदारी का होगा, आप बस कहेंगे यार सलूट है तुझे गुमनाम हीरो, क्या कमाल प्लान बनाया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।